लोग रखते हैं कि भाई शेड्यूल लाइन वाला जो है सर, क्या शेड्यूल लाइन वाले मामले को आपने मुख्यमंत्री बात की है शेड्यूल लाइन क्या बोला आश्वासन राकेश के कोर्ट में है राकेश के हम भी बोले कि भाई हम भी कोर्ट पहुंच गए तेजस्वी जी मिलने पहुंचे थे आप सीएम से कुछ कहीं नीतीश जी से मुलाकात करने पहुंचे थे श्याम जी नीतीश आप क्या सहमति होना है चिंता होना सर चिंता तय वो बता दिया जाए वो तो ऑफिशियली जो है कोई और भी बात हुई है क्या और लोग रखते हैं कि भाई शेड्यूल लाइन वाला जो है सर क्या शेड्यूल लाइन वाले मामले को आपने मुख्यमंत्री लोग बात की है शेड्यूल लाइन क्या बोला मुख्यमंत्री आश्वासन राकेश के कोर्ट में है राकेश के हम भी बोले कि भाई हम भी कोर्ट पहुंच गए आप रखिए हम भी रखते हैं अच्छे चलिए और नहीं नहीं वो अभी बाइट ये कौन की यार टिप्पा टिप्पणी करता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है हमको अपनी जनता से लेना देना है और ये जो पहला जो हम निकल रहे समस्तीपुर या हर जिले हम जाएंगे बिहार का दौरा करेंगे तो पहला जो है कार्यकर्ता संवाद है और उसके बाद नवंबर दिसंबर में जो है पब्लिक के बीच में पब्लिक के साथ एक राउंड और बिहार में हम लोग घूमने का काम करेंगे चाहे पब्लिक मीटिंग हो या पदयात्रा हो वो अलग नवंबर और दिसंबर के माह में होगा। हाँ तो ये लोग तो विरोधी लोग हैं, इन लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है और जब तक आप देखिएगा ये लोग बड़े चतुराई से जो है आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं चाहे एकल पद वाला मामला हो लेटरल एंट्री वाला मामला हो या क्रीमी लेयर का एस सी एस टी का बात हो लगातार इस तरह की बातें आ रही है तो जाहिर होता है ना कि भाई ये लोग पूरी तरीके से आरएसएस बीजेपी के लोग जो है आरक्षण विरोधी लोग हैं ये लोग कास्ट सेंसस विरोधी लोग हैं ये लोग गैर बराबरी जो समाज में है उसको मिटाना नहीं चाहते हैं तो ये पूरी तरीके से लोगों को जो लालू जी ने कहा ठीक है जनता के बीच जब जाइए ना तो अच्छा ही होता है बुरा क्या होता है घर से निकलना बंद कर देंगे क्या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी दफ्तर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। विजय चौधरी जी ने आज शेड्यूल नाइन पे जो है आज टिप्पणी की है बोल रहे हैं क्या विजय चौधरी जी कि भाई जो कानून ही ख़त्म हो गया उसको शेड्यूल नाइन में कैसे डालें। अब ये कानून कब पारित हुआ हम लोगों ने कब रिकमेंडेशन जो है भारत सरकार को भेजा कई महीनों तक इन लोगों ने कुछ नहीं किया कोर्ट में तो मामला दो तीन महीना पहले का है ना उससे पहले का तो था नहीं और ये डबल इंजन की सरकार जो है आठवां महीना चल रहा है ये छः सात महीना कर क्या रहे थे फिर सवाल तो ये है ना कि भाई अब नीतीश कुमार जी भी जनता दल यूनाइटेड के लोग और विजय चौधरी जैसा बयान दे रहे तो साफ आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं ये तो आरएसएस का भाषा है उसी लाइन पे काम कर रहे हैं। आपको भी पता होगा नगर निकाय वाला जो मेयर वाला जो चल रहा था जो आरक्षण का मामला जब हम मंत्री थे अति पिछड़ा वाला नहीं हो पा रहा था निरस्त कर दिया गया था सब कुछ हो गया था तो हम जा कर के कोर्ट लड़े ना जिताए ना भाई कैसे जिता दिए तो ये क्यों नहीं हो सकता संगत का असर है हमारे साथ थे तो जाति जनगणना कराए आरक्षण बढ़ाए हम लोगों ने भाजपा में गए हैं आरएसएस में गए हैं तो वहाँ का असर पड़ गया है आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं चुप्पी साधे हुए क्रीमी लेयर पे नहीं बोलते लेटरल एंट्री पे नहीं बोलते।